हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। अभी जून महीना शुरू हो चुका है, अभी कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म्स भी निकल कर आएंगे, तो हमें एग्जैक्ट डेट पता चलेगी। और एग्ज़ाम की डेट आने के बाद प्रिपरेशन करने में अलग ही मज़ा होता है, राइट? तो इस प्रिपरेशन में आपको मेरे चैनल की बहुत मदद हो रही है। आपने देखा होगा चैनल पर प्रीवियस ईयर्स से लिए हुए बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ डाउट है, कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वी कैन हैव ऑनलाइन वन ऑन वन सेशन टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आप कहीं भी हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर, तो ऑनलाइन सेशन है, इस वजह से उसका तो कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सो यू कैन कॉल, यू कैन व्हाट्सअप मी एनी टाइम ऑन दिस नंबर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक एमसीक्यू। तो देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके की इमेज दी गई है और PQRS ये लेबल किया हुआ है, और उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सलाइवा। PQRS में कौन से है? तो पहले तो जान लेते हैं कि ये कौन से पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के। तो देखो, ये सेरेब्रम, ये ऊपर जो है दैट इज सेरेब्रम, फिर मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, स्पाइनल कॉर्ड और पॉन्स, और यहाँ पर देर इज अ कन्वोल्यूशंस ऑफ द सेरेब्रम, राइट? ये इमेज और इस वीडियो में जो भी इमेजेस चार्ट यूज किए गए हैं वो मैंने लिए है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक से। फिर देखो, ये तो पार्ट्स हो गए, अभी इनके फंक्शंस जान लेते हैं। सेरेब्रम का फंक्शन है कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। सेरेबेलम का काम है कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, इसका काम होता है कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड सलाइवेशन, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, राइट? इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट फंक्शंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल एंड ग्लैंड्स, एंड इट फंक्शंस एज अ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, राइट? तो ये फंक्शंस जानने के बाद देखो, क्वेश्चन में हमें प्रोड्यूसिंग सलाइवा के बारे में पूछा है। तो ये जो क्यू पार्ट है जो है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, राइट? तो इस तरीके से देखो, ये ब्रेन टॉपिक पर हमेशा एक क्वेश्चन बन रहा है, ये टॉपिक अच्छे से करके रखो। ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये पी क्यू आर एस सीधा नहीं दिया है, आर एस पी क्यू इस तरीके से ऑप्शंस बनाए हैं, तो उस दिन के एग्जाम के प्रेशर में आपको ये शांति से सोचते आना चाहिए, प्रैक्टिस रखो इसकी, ये हमेशा देखते रहो ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन से पार्ट को क्या लेबल है और उनके फंक्शन भी, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए, यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरीके से प्रिपरेशन जारी रखिए। यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ डाउट हो, कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी हो बायोलॉजी सेक्शन से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।